हे गाइस, कैसे हो आप सब। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2021 की जो पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस थी वो ऑलमोस्ट अब खत्म हो चुकी है एंड अब वक्त आ चुका है जब दिल्ली यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रही है 2022 वाले बच्चों के लिए। एंड 2022 का जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूरे हिस्ट्री में आज तक सबसे डिफरेंट हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा सकता है आने वाले साल से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। जितने भी यूजी कोर्सेज थे जिनमें आपकी मेरिट बेस्ड एडमिशन होती थी, हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर से सीयू सेट पे चला जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हाल ही में एक आर्टिकल में आई थी एंड काफी सारे फेमस आर्टिकल में आई थी, जहां पे ये बताया गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो सकता है कि आने वाले वक्त में सीयू सेट को अडॉप्ट कर ले। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसमें तो अपना हाँ कर दिया है कि हम तो तैयार है अब नेक्स्ट सेशन में सीयू सेट कंडक्ट कराने के लिए। सीयू सेट मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जहां पे सुनो, जहां पे आपको कोई भी कोर्स हो, कोई भी कैटेगरी हो, कुछ भी, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, वो भी एंट्रेंस, जो कि कॉमन होगा फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल स्ट्रीम। एंड अगर सीयू सेट होती है ना भाई, ये बात जान लो, तो बहुत सारे बच्चों को ना टेंशन से रिलीफ मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट, वो जो 99-100% की जो होर लगी रहती थी ना, भीड़, बिना मतलब की भेड़ बकरियों की तरह कुचल के बच्चे एक दूसरे को चल रहे होते हैं एंड उन्हें ऊपर से टारगेट कर रहा होता है जो सरकार, सीबीएसई बोर्ड, ये वो फलान ढिमकाना, अब अगर सीयू सेट आती है तो वो सारी जो टेंशन है वो आपकी कम हो जाएगी एंड आपको एक ऐसे रेस में भगाया जाएगा जहां पे सारी चीजें प्रोफेशनल तरीके से होगी और आपको या किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा एडवांटेज में नहीं रखा जाएगा कि उसने ज्यादा नंबर लाया मतलब उसका वो कॉलेज फिक्स है। ये चीज अब नहीं होगी, सब कोई अब सेम रेस के घोड़े बनेंगे, सबको साथ में दौड़ना है एंड सेम स्टार्टिंग लाइन से। उसमें दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए जो होगा वो होगा आपकी जीके, एलआर, वर्बल, क्वांट, रीजनिंग एंड सेक्शन जो बी होगा वो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब जिस भी सब्जेक्ट में आपको अपनी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकती है सेक्शन बी में, जो कि थोड़ी लेंथी टाइप क्वेश्चन हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है जिसके बारे में अभी तक ऑफिशियल सिलेबस आउट नहीं है। वो हो जाएगी आउट, लेकिन उससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जब 100% कंफर्म कर देगी या फिर जो सीयू सेट की बोर्ड है, जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज है जिनको भी रखा गया है इसके अंतर्गत, वो सभी लोग अगर कंफर्मेशन दे देते हैं तो आपकी सीयू सेट एग्जाम की सिलेबस वगैरह सब डिक्लेयर हो जाएगी बहुत पहले। एक बात जान लो कि जिस दिन से सीयू सेट 100% कंफर्म हो गई, मार्केट में नए धंधे खुल जाएंगे लोगों के, जहां पे कोचिंग क्लासेस वाले आके बोलेंगे अब खरीद लो सीयू सेट की क्लासेस, 30 दिनों में क्रैक कर लो, क्रैश कोर्स फलाना ढिमकाना, बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई तुम्हें बता देगा कि बिना पैसे में आप कैसे सारी चीजों की जुगाड़ कर सकते हो और कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।